कोटा हड़ौती बंधा धर्मपुरा में 200 से ज्यादा गायों की मौत होना बड़ा दुखद समाचार है। आज लगातार चौथे दिन निगम के आयुक्त सरिता सिंह का घेराव किया। 2000 गायों पर सिर्फ गौशाला में एक डॉक्टर नियुक्त किया गया। वहां की अव्यवस्था और गौवंश के मरने पर जांच होनी चाहिए। दिवाली सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस नेता दिनेश जोशी ने चेतावनी दी, जल्दी से जल्दी गौशाला का अवस्था ठीक की जाए, वरना हम निगम के अधिकारियों के ऑफिस में नहीं बैठने देंगे, उनको ऑफिस में नहीं बैठने देंगे। नगर निगम के बंदा धर्मपुरा गौशाला किशोरपुरा कायन हाउस का गोवंश व्यवस्था का शिकार हो रहा है। सर्दी में दोनों जगह 10 दिन में 140 गोवंश ने दम तोड़ दिया। उत्तर दक्षिण निगम के बीच यह बड़ी गौशाला है। दोनों निगम का कुल 16 करोड़ सालाना बजट गौशाला का है। इसके बावजूद इसके तिरपाल व चारे के लिए भी गोवंश के लिए दानदाताओं को ढूंढना पड़ रहा है। दोनों नगर निगम दानदाताओं के भरोसे हैं। स्वस्थ गायों के बाड़ों पर टीनशेड लगे थे, बाकी जगह पर खुला छोड़ रखा था। बारिश में गायों का बचाव फिर भी हो जाता है, लेकिन सर्दी भारी पड़ती है। 700 की क्षमता है और मुकाबले 1000 से अधिक गोवंश हैं। इस वजह से गोवंश ठीक से घूम भी नहीं पा रहे और सफाई नहीं होने से कीचड़ फैला हुआ है। यही हाल नंदीशाला का भी था। निगम अधिकारी समिति के अध्यक्ष मौके पर हो तो काम होता है, नहीं तो लापरवाही बढ़ती जाती है। समिति अध्यक्ष जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, तब चारा डालने व सफाई का काम शुरू हुआ। दोनों गौशालाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार अलग से 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। पहले सब्सिडी 9 महीने की होती थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 महीने कर दिया गया है। निगम के अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार निगम का जो 16 करोड़ का बजट था, उसमें 3 करोड़ रुपये निर्माण के हैं, बाकी 13 करोड़ रुपये गोवंश के खाने उपचार और स्टाफ पर खर्च होता है। हाल ही में तिरपाल व हेलोजन की व्यवस्था की गई है, बाकी की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बंधा गौशाला में गोवंश की मौत की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। दिवाली सुधार समिति ने भी विरोध जताया। दिवाली सुधार समिति के दिनेश जोशी भी मौके पर पहुंचे और निगम के अधिकारियों के समक्ष विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि मामले में 3 से निगम के अधिकारियों को बोल रहे हैं 3 दिन से, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण लगातार गोवंश की मौतें हो रही हैं, जो 200 की संख्या को पार कर चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कामिंद जोशी न्यूज़ 21 कोटा से। आप देख रहे हैं कायन हाउस में गायों की स्थिति बहुत दर्दनीय होती जा रही है। 150 से 200 गायें लगभग 7 दिन के अंदर मर चुकी हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं गौ प्रेमी से कि गायों का मरने का कारण क्या है, क्यों दिन पे दिन गायों की डेथ के अंदर बढ़ोतरी होती जा रही है। शुभ नाम आपका? दिनेश जोशी। दिनेश जी, किस पद पर और क्या हैं आप? मैं देवालय सुधार समिति प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पिछले कड़ाके की सर्दी में जहाँ नगर निगम के अधिकारी हीटर में बैठे हुए हैं, और यहाँ कड़ाके की सर्दी में 2000 गायों के बीच में सिर्फ एक डॉक्टर है, सारे कंपाउंडर है, ना तो दवा का इंतजाम है, ना कोई सर्दी से गायों के बचने का इंतजाम है, ना गुड़ दिया जाता है, ना तेल दिया जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमने 3-4 दिन से मैंने आंदोलन करा रखा है। पहले धरना प्रदर्शन दिया, ज्ञापन दिया, मैडम को समझाया कि यहाँ पर आगे जाएगा। अभी कल ही मैडम ने यहाँ का निरीक्षण किया दोनों जगह का। बंदा धर्मपुरा की ऐसी हालत है कि 1500 गायें और 2500 गायें उसमें ठूस ठूस के बढ़ रखी है। आए दिन, मतलब इन चंद दिनों में 200 के पार में गायों की मौत हो चुकी है। क्या कारण रहा है गायों की मौतों के पीछे? कारण ये रहा है कि कड़ाके की सर्दी है। कड़ाके की सर्दी में जो बेजुबान जानवर है, जो उनको क्या है, गुड़ दिया जाता है, तेल दिया जाता है और दवाएं दी जाती है, ना तो कोई व्यवस्था थी। मतलब एक महीने से ना कोई दवा का इंतजाम था, ना गुड़ का इंतजाम था। उनके उनके बॉडी में गर्मी आए, इस वजह से कोई इंतजाम नहीं था, ना कोई टीन शेड था, ना कोई उनको मतलब अंदर जाने के लिए टीन शेड वगैरह कुछ भी नहीं था। हमने यहाँ मुआयना करवाया आयुक्त का, सरिता मैडम का, सारी व्यवस्था देखिए, उनको विरोध दर्ज करवाया। उन्हें कि आप इस स्थिति में, आप तो बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं की है, तो इसके बाद भी ऐसी कंडीशन है गायों की। उन्हें पूरी अवगत करवाया, उन्हें कि आपको नगर निगम में ऑफिस में नहीं बैठने देंगे, आप हीटरों में बैठे हो और इनकी स्थिति ख़राब हुई है। थैंक यू। भी एक या शून्य रहती है? नहीं, कायन हाउस में तो ठीक है, कायन हाउस में भी आपके गाय सुबह मरी बताई? नहीं सर, वो जो घायल एक्सीडेंट में आती है, एक्सीडेंट में जो एम्बुलेंस द्वारा लाई जाती गाय, उनकी डेथ होती है। यहाँ पे बीमार और जो स्वस्थ गाय उनमें डेथ नहीं होती है। तो जो बीमार गाय जो अंदर है उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में डॉक्टर यहाँ पर कंपाउंडर है, 3 कंपाउंडर कार्यरत है और चिकित्सक नहीं है, और मोखापाड़ा हॉस्पिटल में भेजते हैं, तो वहाँ पशु चिकित्सालय में देते ही नहीं गायों को।
तो वो सीधा गौशाला पहुँचाते हैं, गौशाला पहुँचाते हैं वहाँ से। तो ऐसे तो देख सवार होगी नहीं, तो आपने आगे कहीं लेटर वगैरह लिख के अवगत करवाया? अवगत करवाया हमने, पशु चिकित्सालय को भी लेटर दिया है। कब से डॉक्टर की कमी है यहाँ पर? अब ये 3-4 माह से डॉक्टरों की कमी है। इससे पहले डॉक्टर संविदा पे कार्यरत थे, नंद किशोर जी वर्मा, जो सेवानिवृत्त पशु निदेशक थे, डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पर।